हेलो फ्रेंड्स, आई डॉक्टर विनीता, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट, एमपीटी ऑर्थो, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर एंड जस्ट सर्च ऑन गूगल फिजियोथेरेपी जुनून एंड यू फाइंड मी इजीली। टुडेज आर टॉपिक ऑन पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम। पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम जस्ट ओवरव्यूज। Sciatica type symptoms can be produced by compression of the sciatic nerve as it passes through the piriformis muscle. 15% of the population, approximately जो है 15% of population में क्या है कि जो हमारी sciatic nerve है उसके जैसे ही symptoms आ रहे हैं, और ये बिल्कुल उसके पास से ही, मतलब पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से है कि अगर पीरीफॉर्मिस में स्पाज्म हो रहा है या फिर इरिटेशन हो रही है या फिर कोई भी दिक्कत हो रही है, तो वो क्या कर रहा है, शियाटिका नर्व को भी कंप्रेस कर रहा है और वहाँ से भी सिम्टम्स जो है पेशेंट को आने लगते हैं। द पेशेंट प्रेजेंट विथ शियाटिका बट नो हिस्ट्री ऑफ बैक पेन। This is a history that can found in patient with a back problem that is producing sciatic type like symptoms. In those cases, if treatment fails, it is worth attempting stretching of the piriformis muscle if it appear to be tight. तो क्या है कि आप पेशेंट को बैक पेन का ट्रीटमेंट दे रहे हैं या फिर पेशेंट को आप लेग पे ही कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो आप ये चीज आप डायग्नोज करें प्रॉपरली, दैट मे बी पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम। अगर पेशेंट को सिर्फ बटक पेन है और लैग पेन है, तो आप पायरिफॉर्मिस पे जरूर डायग्नोसिस करें। पायरिफॉर्मिस इज कंडीशन इन विच द पायरिफॉर्मिस मसल लोकेटेड इन द बटक रीजन यू सी इन द पिक्चर एंड हेयर शियाटिक नर्व पासिस थ्रू, इसके अपर पार्ट से जा रही है। हेयर यू सी द पायरिफॉर्मिस मसल ग्लूटियस मैक्सिमस मसल, और ये जो आपकी पायरिफॉर्मिस मसल है ये आपकी बैक से लेकर आपकी फीमर तक है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि आपको जो है ज़्यादातर जो शियाटिक नर्व के सिम्टम्स है वो आने लगते हैं जब ये मसल, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया, या तो टाइट हो जाए, स्पाज्म हो जाए या टेंडर हो जाए, ऐसी कोई कंडीशन हो रही है तो आपके पूरे लेग में सिम्टम्स आने लगते हैं, नमनेस, टिंगलिंग, पूरा बैक। और अगर आपको सार्कोइलिक जॉइंट, एसआई जॉइंट की कोई प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में भी जो है आपकी पायरिफॉर्मिस मसल है जो वो टाइट हो जाती है और यहाँ पे शियाटिक नर्व जो है वो साथ में कंप्रेस होने लगती है। ये पूरा का पूरा ग्लूटियल रीजन को अफेक्ट करेगी, आपकी लेग्स को अफेक्ट करेगी, थाई रीजन, आपके काफ रीजन और नीचे फुट रीजन को अफेक्ट करती है। तो आप पेशेंट को जब भी डायग्नोज कर रहे हैं, तो अगर ये सिम्टम्स हैं पेशेंट में, तो आप पायरिफॉर्मिस जो मसल है उसकी आप जरूर देखें कि अगर टाइटनेस है या सोर है, तो आप डीप में अगर उसको प्रेस करके देखते हैं तो मे बी आप फाइंड आउट कर पाएंगे कि जो पायरिफॉर्मिस है वहाँ पे आपको पेन फील होगा। जो ये मसल है आपने देखा ये कहाँ से कहाँ तक है, लोअर स्पाइन से अपर सरफेस ऑफ ईच फीमर ऑफ द थाई बोन, और इसका फंक्शन क्या है, रोटेटिंग द हिप एंड टर्निंग लैग एंड फुट आउटवर्ड, और ये जो है वो डायगोनली रन करती है, तो इसीलिए जो पेन है पेशेंट का वो इसी पैटर्न में फील होगा आपको। इसमें हम देखते हैं सब्जेक्टिव फाइंडिंग्स में हमें क्या क्या देखना है। ऑनसेट ऑफ दिस इज ग्रेजुअल विद नो नोन कॉज और अकर मोस्ट कॉमनली विदाउट एनी नोन कॉज। ड्यूरेशन, पेशेंट विल हैव सफर सिम्टम्स फॉर एटलीस्ट सेवरल वीक्स इफ नॉट लाइक मंथ्स। This is partially due to insidious in nature of and also partially due to fact that this condition is normally conflicts with the back problem, often therefore treated incorrectly. कुछ लोग जो है वो पहले back pain के साथ में इसको treat करने लगते हैं और वो unsuccessful treatment है, तो इसका जो duration है वो आप देख के चलिए कि जो patient है उसको ज़्यादा, मतलब एटलीस्ट सेवरल वीक्स, कुछ टाइम से उसको पेन हो रहा है। फ्रिक्वेंसी क्या है, दिस विल इन ऑल लाइकलीहुड
be the first time that the patient has experienced the particular symptoms, although there may have been a few previous episodes over a period of 1 or 2 years. With increasing spread of symptoms into the leg, it is important to check the patient back pain history, sorry here mistake, very carefully. बैक पेन कैसे हुआ था, पेशेंट को कब हुआ था, कितना टाइम हो गया, एज इट मे प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन दैट विल हेल्प टू डिफ्रेंशिएट द कंडीशन एंड दैट कंडीशन माइट प्रोड्यूस सेवरल लाइक शार्टिक डिस्ट्रीब्यूशंस एंड ऑल दीज थिंग्स. सो या डिफरेंशियल डायग्नोसिस नेसेसरी. एरिया ऑफ सिम्टम्स आर जनरली जैसे आपने वीडियो में देखा, बटक्स के अंदर, थाई रीजन में और आपका काफ एरिया और फुट एरिया लोअर लेग में. आपको लेटरल एस्पेक्ट में पेन फील होगा, पेशेंट जो आपको हिस्ट्री देगा. ये आप देख रहे हैं इसमें, जैसे बटक रीजन हो गया, ये पूरा का पूरा हिप रीजन, और ये लेटरल थाई, लेटरल काफ एरिया एंड फुट. देन टाइप्स, पेन इज द मेन प्रेजेंटिंग सिम्टम. Although the patient can also have paresthesia or numbness in the leg, there should be to back pain even if there is a pain or discomfort in the buttock region. Phir hum aate hain active movements pe. There is usually no limitation of movement. However, the patient may get some discomfort in buttock at end range of internal rotation of the hip. Active straight leg raising may produce the patient typical leg symptoms. इसलिए जो है कि ज्यादातर लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं sciatic nerve और piriformis muscle के जो symptoms होते हैं उनके अंदर. Passive movements, pain is experienced at the end range of lateral rotation of the hip. Muscle spasm may be found to register this movement at the end range. Passive straight leg raising may produce buttock and leg pain, which registered in the supine lying position with the patient's knee flexed initially, so that hip is flexed. Then while the hip is kept flexed, extended the knee slowly. तो ये आपको बिल्कुल slowly movement करवानी है patient की. आपको passively ये करना है. अगर pain आ रहा है, mostly patient को buttock और जो पेशेंट का जो थाई रीजन है, लेग रीजन है, वहां पे पेन फील होगा, स्लाइट पेन. रजिस्टर्ड मूवमेंट, गुड स्ट्रेंथ रहेगी पेशेंट की. लेवल शुड बी प्रेजेंट ऑन ऑल मूवमेंट्स ऑफ द हिप एंड नी. हाउएवर पेन मे बी प्रोड्यूस ऑन आइसोमेट्रिक रजिस्टर्ड एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हिप. एक्सटर्नल रोटेशन जब आप करवा रहे हैं रजिस्टर्ड कंडीशन में, तो पेशेंट को पेन आएगा, पाल्पेशन. Some ill-defined discomfort may be produced on deep palpation of the buttock, but this must be compared carefully with the other. Okay, so जैसे आप right side में patient को pain है, आप left side भी check करिए और palpate कीजिए, और pain अगर feel होता है, the patient must be able to make a definite differentiation between the level of discomfort in two buttocks for the finding considered positive. फिर आप स्पेशल टेस्ट करवा सकते हैं पेशेंट के लिए, पायरिफॉर्मिस स्ट्रेस टेस्ट बोला जाता है इसको. क्या है कि आप लेग मैन्यूवर भी करवा सकते हैं. जैसे पेशेंट को स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट आप करवा रहे हो, पेशेंट को पेन आएगा ही आएगा, क्योंकि वहाँ पे सियाटिक नर्व के भी सिम्टम्स पेशेंट को आ रहे हैं. तो आप उस एक टेस्ट से आप ये पर्टिकुलर डायग्नोज नहीं कर सकते कि पेशेंट को पायरिफॉर्मिस जो सिंड्रोम है वो कम्प्लीटली है. तो इसलिए वो टेस्ट भी आप कीजिए, लेकिन वो टेस्ट पॉजिटिव ही रहता है. इसमें आप पायरिफॉर्मिस स्ट्रेच टेस्ट कीजिए. फाइनली टू मैन्युअल विच पुट ए स्ट्रेच ऑन द पायरिफॉर्मिस मसल कैन आल्सो बी यूज्ड टू टेस्ट फॉर पायरिफॉर्मिस पेन. रोटेट हिप एंड लेग इनवर्ड. जैसा आपको फिगर में शो रहा है, ये आप सुपाइन में भी सुपाइन पोजिशन में करेंगे. पेशेंट सीधा लेटा रहेगा. सेम टेस्ट आप कीजिए. पेशेंट का जो नी है, हिप है, रोटेट कीजिए. नी जो है वो स्ट्रेट रहेगा, लेग इनवर्ड रोटेशन में आएगी. और सेम आप साइड लाइन में कीजिए. अगर पेशेंट को सिम्टम्स आ रहे हैं, दैट मीन्स पायरिफॉर्मिस स्ट्रेस टेस्ट इज पॉजिटिव. और आप पेशेंट का जो है जो ट्रीटमेंट है वो आप इसी तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं. तो इस वीडियो में आपको मैंने
ज़्यादातर सारी चीज़ें बताई हैं कि एक्टिव पैसिव मूवमेंट आप क्या क्या करवाएंगे, सब्जेक्टिव फाइंडिंग आप क्या क्या करेंगे। तो अगर आप के पास पेशेंट कोई आता है तो आपको असेसमेंट करने में आई थिंक बहुत इजी रहेगा ये वीडियो देखने के बाद। और इसके लिए मैंने एक स्पेशल व्लॉग भी लिखा है, तो उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे दे दूंगी, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं फॉर योर नोट्स पर्पस, जो बीपीटी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए और एमपीटी के लिए भी अच्छा है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो है फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट देखेंगे, फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।